Hey guys, welcome back to my channel. So today's video tutorial is about a DIY and इस DIY में मैंने जो केक बॉक्स होता है उसको यूज़ किया है. अगेन इसको मैंने रीयूज़ किया है. पहले मैंने इसको किसी और क्राफ्ट के लिए यूज़ किया था एंड मैं अभी इसको ओवल शेप में कट कर रही हूँ. ओवल शेप में कट करने के बाद मैंने कुछ लिए हैं थर्माकोल के पीसेस, क्योंकि मेरे पास थर्माकोल इतने बड़े साइज में नहीं अवेलेबल था, तो मैंने पीसेस को बीच बीच में लगा दिए हैं. एंड एक और मैंने कार्डबोर्ड लिया है विद द सेम शेप एंड साइज और उसको थोड़ा सा एंगल पर सेट किया है और उसे एक फिनिशिंग टच देने के लिए फिर मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रिप की हेल्प से उसको फिल कर दिया है और सबसे लास्ट में पुट्टी का पेस्ट बना के उसको फिनिशिंग दिया है. पुट्टी का डो बनाते टाइम आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि उसको ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट. अगर ज़्यादा टाइट भी कर दोगे तो वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहेगा और फिनिशिंग नहीं आएगी. ज़्यादा अगर पतला कर दिया तो वो पेस्ट ही नहीं हो पाएगा. पुट्टी डॉल से फिनिशिंग देने के बाद एटलीस्ट हमें इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए एंड फिर हम अपना कलरिंग पास स्टार्ट करेंगे. मैं अपने इस DIY को एक वुडन ब्लॉक देने का ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए मैंने जो नेचुरल वुड कलर्स होते हैं वही चूज़ किए हैं. आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं. ये इस DIY का सिर्फ पार्ट वन है, पार्ट टू में ये DIY कंटिन्यू रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.